नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। मैं हूं आपके साथ नैंसी। आज इस बेहद ही खास प्रोग्राम में हम बात करेंगे बॉलीवुड इंडस्ट्री के दो खान्स को लेकर, यानी कि हम यहां पर बात कर रहे हैं आमिर खान और दूसरी ओर शाहरुख को लेकर। ये तो आप सभी जानते हैं कि भाई बॉलीवुड में कोल्ड फाइट और जो है कैट फाइट का सिलसिला अक्सर देखने को मिलता है बॉलीवुड इंडस्ट्री में। चाहे एक्टर्स की बात करें या फिर एक्ट्रेसेस की बात करें, अक्सर ही कोल्ड फाइट दिखाई पड़ती है। तो वहीं आज एक ऐसी ही कोल्ड फाइट को लेकर हम ये प्रोग्राम लेकर आए हैं, जहां पर हम आपको बताएंगे कि एक वक्त ऐसा था जब आमिर खान ने किंग खान को लेकर कुछ ऐसा कहा था जिसे यकीन मानिए सुन के किंग खान के फैंस यानी कि शाहरुख के फैंस आमिर पर गुस्से से भड़क उठे थे। एक ऐसा वाक्य हुआ था जहां पर आमिर खान ने ना जाने कैसे एक इंटरव्यू के जरिए शाहरुख को सरेआम बेइज्जत किया था, और कहीं ना कहीं उसके बाद में उन्होंने फिर पूरी कहानी भी बताई। सोशल मीडिया पर जब भी कोई खबर आती है तो फैंस और ट्रॉलर्स दोनों ही जो है कहीं ना कहीं अपनी प्रतिक्रिया देते हुए दिखाई देते हैं। सोशल मीडिया पर लगातार देखा गया जब आमिर खान ने कुछ ऐसा कहा, उसके बाद से ही जो है आमिर और शाहरुख की दोस्ती मानो खत्म सी होने लगी। मगर कहीं ना कहीं शाहरुख की मैच्योरिटी भी आप यहां पर देखेंगे। किंग खान काफी ही ज्यादा पोलाइट वे में रहते हैं, और वो तो देखिए लाजमी है कि जब इंसान को गुस्सा आता है तब वो अपना क्रोधित रूप दिखाता ही है। मगर यूजुअली अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं किंग खान काफी ही ज्यादा नरम इंसान दिखाई पड़ते हैं। मगर आखिरकार आमिर खान ने ऐसा क्या कुछ कहा, क्या कुछ कहते दिखाई दिए वो शाहरुख को लेकर, आप देखेंगे हमारा ये बेहद ही खास प्रोग्राम। कहते हैं ना कि मुंह से निकली बात आप कभी बदल नहीं सकते, बांध से छूटा तीर जैसे वापस नहीं आता, तो वैसे ही मुंह से निकले शब्द कभी वापस नहीं लौट सकते। आज इस प्रोग्राम के माध्यम से हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान और बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख को लेकर। एक वक्त ऐसा था जब आमिर ने शाहरुख का सरेआम मजाक बनाया था और उसके बाद जमकर हंगामा भी हुआ था। बॉलीवुड के कैट फाइट के बारे में अगर बात की जाए तो आप हमेशा से पढ़ते और सुनते आ रहे हैं कि बॉलीवुड के कई सारे एक्ट्रेस हैं जो आए दिन अपने कोल्ड वॉर और फाइट की वजह से चर्चा में बने रहते हैं। 90 और 80 के दशक के दौरान ये चीज़ें जमकर होती थी, लेकिन वक्त के साथ अब चीज़ें बदल रही हैं और अब स्टार इतना खुलकर अपनी नाराज़गी जाहिर नहीं करते। हालांकि एक बार बॉलीवुड के दो खानों के बीच जम के हल्ला कटा जब मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान और किंग खान शाहरुख पर बात करते हुए कहा कि उनके पास शाहरुख खान नाम का कुत्ता है। तो आइए जानते हैं क्या था पूरा मामला। साल 2008 की बात है जब आमिर खान ने बेहद ही अजीबोगरीब बयान दिया था। इसमें उन्होंने कहा था कि मेरे पास एक कुत्ता है जिसे मैं बिस्किट खिला रहा हूँ और वो मेरे पैर चाट रहा है और मैंने उन्हें प्यार से शाहरुख बुलाता हूँ। दरअसल साल 2008 में गजनी के एक प्रमोशन इवेंट में आमिर खान ने बेहद ही विवादित बयान देते हुए कहा, शाहरुख हमारे घर का एक नौकर के कुत्ते का नाम है। जब मैंने यहाँ घर खरीदा तो केयरटेकर के साथ वो डॉग भी आया। आमिर ने इस पर बात करते हुए कहा कि जब मैंने घर खरीदा तो मुझे नहीं पता था कि इस घर में शाहरुख नाम का एक कुत्ता भी मौजूद है। कई लोगों ने कहा कि आमिर ने ये जानकर ऐसा नाम रखा, लेकिन आमिर का कहना है कि उन्हें घर खरीदने के आखिरी दिन तक ये मालूम नहीं था कि इस घर में केयरटेकर परिवार पहले से ही रह रहा है और उनके पास एक डॉग है जिसका नाम शाहरुख है। ऐसे में जिस दिन आमिर इस घर में रहने पहुंचे उस दिन केयरटेकर के परिवार ने उनसे रिक्वेस्ट की उन्हें इस घर में रहने दिया जाए। आमिर ने मना किया और कुछ समय बाद आमिर को इसके बारे में पता चला।
बता दें कि आमिर खान को इसके बाद उनकी गलती की एहसास भी हुआ और उन्हें बताया कि इसके पीछे कोई खराब मंशा नहीं थी। आमिर के अनुसार उन्होंने बाद में पत्नी किरण राव के पहलने पर इस कुत्ते का नाम बदलकर शाकी कर दिया। किरण का मानना था कि शाहरुख हमारे अच्छे दोस्त हैं और ये अच्छा नहीं लगता। इसके बाद घर में किसी ने भी उस कुत्ते को शाहरुख नाम से नहीं पुकारा। आमिर ने उस वक्त ये भी दावा किया कि ये पंचगिन स्तर पर एक घर उन्होंने शाहरुख नाम के कुत्ते के कारण खरीदा। आमिर खान के इस बयान पर जब शाहरुख खान ने रिएक्शन मांगा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं भी कई बार मजाक में ऐसी बातें करता हूँ। मुझे लगता है कि मेरे कारण भी किसी न किसी को परेशानी होती होगी। यकीनन ही शाहरुख खान ने जिस तरह से यहाँ पर रिएक्शन दिया वो यकीनन ही बहुत ही खूबसूरत था और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि उनकी मैच्योरिटी को साफ तौर पर झलकाता हुआ दिखाई दे रहा था। लगातार सोशल मीडिया पर इस विवाद के बाद शाहरुख के फैंस आमिर पर जमकर बरसे, जबकि शाहरुख खान ने इस चीज को बड़े ही पोलाइट वे में निकाल दिया। भाई आपकी क्या राय है आमिर की इस हरकत पर, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। तो देखा आपने हमारी इस बेहद ही खास रिपोर्ट में कि आखिरकार शाहरुख को लेकर आमिर खान ने क्या कुछ कहा। भाई आमिर खान यहाँ पर सरेआम शाहरुख को एक डॉग कहते हुए दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि मेरे घर के डॉग का नाम शाहरुख है, जिसे सुनकर शाहरुख के फैंस खूब आमिर पर भड़के। मगर काफी ही मैच्योरिटी के साथ जब ये खबर बाहर आने लगी और हर एक शख्स जो है आमिर पर सवाल करने लगा तो फिर उन्होंने एक क्लियरिटी भी दी। उसके बाद शाहरुख खान जो है कहीं ना कहीं जब उनसे ये चीज पूछी गई तो उन्होंने बहुत ही मैच्योरिटी के साथ ये बात कही कि ऐसा हंसी मजाक चलता है, मैं भी ऐसा हंसी मजाक करता हूँ। जो यकीनन ही ये कहना भी गलत नहीं होगा कि शाहरुख की मैच्योरिटी को देखकर आमिर के फैंस भी शाहरुख की ओर जाने लगे। अब ऐसे में एक ऐसा भी वक्त था जब जो है एक कोल्ड फाइट देखने को मिली थी आमिर और शाहरुख के बीच में, तो वहीं आज एक ऐसा भी वक्त है जहां पर आमिर खान की लाडली एरा खान की ग्रैंड रिसेप्शन पार्टी रही तो वहां पर शाहरुख और गौरी दोनों ही शिरकत करते दिखाई दिए। कहीं ना कहीं ये एक इंसान की मैच्योरिटी आप कह सकते हैं, समझदारी कह सकते हैं कि आप किसी से लड़े नहीं मगर उन चीज़ों को समझें, और शाहरुख ने भी ऐसा ही किया। क्या है आपकी राय इस प्रोग्राम को लेकर, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल मैं चली, अगर आप चले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।